नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। दर्शकों, झाझा की जनता को आज बहुत ही खूबसूरत तोहफा मिलने जा रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेप्लेक्स 90 डिग्री नामक आज एक डिजिटल सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है झाझा के पुरानी बाजार के आसपास, सीधे कहें अनुग्रह स्कूल के ठीक थोड़ा सा सामने। यदि संगीत नहीं होता तो हम नहीं होते कह सकते हैं, क्योंकि छोटा नन्ना सा बच्चा अगर किसी प्रकार का कोई संगीत बजता है तो थिरकने लगता है। आखिर कैसे, कौन, क्या कारण है? संगीत प्रेमी और पुस्तक प्रेमी हमेशा से सुखी इंसान रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। झाझा की जनता को समर्पित ये सिनेमा हॉल, अच्छा, इस तीन सिनेमा हॉल के उद्घाटन में जो तीन प्रमुख हस्तियाँ जुड़ने वाली हैं वो तीनों पार्टनर की माएँ हैं। माँ को दूसरा भगवान कहा जा सकता है। यदि माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ तो भगवान को भी पैदा करती है, ऐसा मेरा मानना है। क्या वीआईपीओं का भी मैं बयान लेने का प्रयास करूँगा, कैसा लग रहा है उनको ये सिनेमा हॉल खुलने के बाद, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ मूवी देखने आएंगे, कैसा लगेगा? तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। के तौर पर समाजसेवी यहाँ गुड्डू जी आए हुए हैं। राजीव जी, सर आज जो ओपनिंग हो रहा है झाझा में सिनेप्लेक्स का, कई लोग अभी भी, कई भी महिलाएं जो हैं वो सिर्फ सीरियल देखती हैं, झाझा को खूबसूरत तोहफा मिलने जा रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या कहेंगे सर? झाझा के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है और नया चीज़ है सर, और इससे जो है मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन मिलेगा जी जी, और लोगों को जो है समय व्यतीत करने में ठीक रहेगा जी जी जी। यहाँ कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो है बहुत बधाई के पात्र हैं जी जी, बहुत अच्छा काम किए और इसी तरह से आगे बढ़े हमारी शुभकामनाएं। कई अपील है झाझा की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? इसको अच्छा से चलाएं, ये धरोहर है झाझा, अच्छे से सहयोग करें इसको। नीलेश, क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग आज नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आज आप लोग तीनों एक तरह से एक युवाओं को आदर्श बनने जा रहे हैं, तीनों मिलकर आपने जो सिनेप्लेक्स खोला है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी एक बार मन में ठानना है उसे पूरा करना है, और बोलते जी बस उस मंजिल को पाना है। और यही सोच के मैं सोचा था कि झाझा को मैं किसी भी हाल में एक मल्टीप्लेक्स करूं, और हम तीनों पार्टनर ने मिलके उस मल्टीप्लेक्स, बहुत बधाई तीनों को, सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। युवा साथी तीनों स्मार्ट, हम तीनों से जुड़कर जानना चाहेंगे आखिर क्या दिमाग में प्लान बना, क्या सोचकर आज सिनेप्लेक्स इन लोगों ने खोला, झाझा की जनता को एक सौगात देने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? राजकमल राजू। क्या सोच के आपने सिनेप्लेक्स खोला तीनों पार्टनर मिलके? हम लोग की यही सोच था कि झाझा विधानसभा में कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छे मतलब पब्लिक के लिए, सभी के लिए मनोरंजन के लिए अच्छा जगह मिले, अच्छी चीज़ें मनोरंजन के लिए हो, और लोगों की यहाँ का व्यवसाय भी मिले बढ़े, कैंटीन है, बाहर की दुकानें हैं, लोगों को इधर उधर मतलब कुछ ये नहीं होगा तो काम उम का भी व्यवसाय बढ़ेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी कोई अपने लगन मेहनत से सब बढ़ें, और प्रयास जिस हिसाब से हम लोग तीनों मिलके किए हैं, सभी लोग ऐसे ही प्रयास करें और कुछ नया करने का सब। आज कई महिलाएं हैं जो सिर्फ सीरियल देखते हैं, युवा हैं, युवती हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मनोरंजन आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, अधिकांश लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? घर में बैठने से तो डिप्रेशन आएगा ही, थोड़ा बाहर घूमेंगे, थोड़ा मूवी भी देखने आएंगे, थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे, तो फिर सभी को अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ बाहर आना। और हमने छोटी सी कोशिश की है कि लोग अपने आप को मनोरंजित कर सके और अपने आप को और खुश रखे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार ज़रूर आइए और यहाँ। क्या नाम आपका? राजेंद्र पास। आप बताइए कैसा, मैंने ये सिनेप्लेक्स खुला झाझा में, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है, आप लोग सब आइए देखिए, फैमिली के साथ आइए, बहुत प्यारा यहाँ का माहौल है, फैमिली के साथ सभी आ सकते हैं। फुल्ली एयर कंडीशन है,